हेलो स्टूडेंट, अपनी क्लास बी ए सेकेंड ईयर पोयम की टाइप ऑफ द स्कॉर्पियो। We have studied about the first part of the poem in our previous class. Today we are discussing next. Believe that the poison moved in the lady's body with the movement of the scorpion. जो last class थी उसमें था कि जो बिच्छू था वो जितना बार करेगा उतना ही कोई की मदर के उसमें वो पॉइजन है वो फैलेगा। बट द स्कॉर्पियन डिड नॉट मूव, बट द स्कॉर्पियन डिड नॉट मूव but the scorpion did not move and remained still at one place and the poison would not spread in the blood. One place the poison would not spread in the blood. But the scorpion did not move and remained still. Permanently बना हुआ था एक ही जगह। The poison would not spread यानी फैलना in the blood. The last three lines of the poem, the last three lines of the poem, the last three lines of the poem are very remarkable. Remarkable for the end, for the end, the poem, the last three lines of the poem are very remarkable for the end the poem. For the end of poem with a fine climax, climax यानी अंत चरम स्तर या उसका जो फाइन उसका जो एंड था वो बहुत अच्छा था। My mother only said, जो इंडियन मदर के बारे में जो कोई बताता है तो उनकी जो ऋषि मुनिगर की माँ है वो लास्ट में बोलती है My mother only said,
mother only said, my mother only said, thank God, thank God, thank God, the scorpion picked on me, thank God, the scorpion picked on me, picked on me, thank God, the scorpion picked on me and spared my children and spared my children. उनकी माता जी ने कहा कि भगवान का शुक्रिया है जो उन्होंने बिच्छू ने मुझे डंक मारा है और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कोई टेंसेस इन दिस पोयम, कोई टेंसेस अबाउट इंडियन मदर एंड इंडियन फार्मर, जो ये पोयम है ये भारतीय माता के लगाव के विषय में कोई इसमें जानकारी देता है। दे हेल्प ईच अदर ए लॉट इन द क्राइसिस, ये दोनों ही माँ और गांव के किसान या सरल स्वभाव वाले लोग परेशानी में बहुत साथ देते हैं। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। Mm-hmm.
मदर सफर्ड ग्रेट पेन. द मदर सफर्ड ग्रेट पेन. ग्रेट पेन. द मदर सफर्ड ग्रेट पेन फॉर 20 लॉन्ग आवर्स. फॉर 20 लॉन्ग आवर्स. फॉर 20 लॉन्ग आवर्स. बट एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन. बट एक्सप्रेस satisfaction. But express Fatma Bhakti satisfaction that the children were not disturbed. That her children were not disturbed. वर मोर स्टंग बाय द पॉइजनस स्कॉर्पियन. स्टंग बाय द पॉइजनस. बाय द पॉइजनस. पॉइजनस स्कॉर्पियन. After a very trying time of 20 hours, when every device failed to give any relief to the lady, her material sentiment matra bhavna. Expressed human interest. The mother suffered great pain. Bahut jyada dukh. 420 लॉन्ग आवर्स बीच अंतर बट एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन. और क्या स्वतंत्र व्यक्ति लेटर चिल्ड्रन वन और पिस्टन यानी काटना बाय द पॉइजनस स्कॉर्पियन. जो जहरीले बिच्छू है उसने उनके बच्चों को छोड़ दिया. यही उनके लिए सबसे बड़ी वो था रिलीफ सेटिस्फेक्शन था. द पॉइंट है ब्रॉट आउट द फीलिंग्स ऑफ ए द पॉइंट. टिपिकल इंडियन मदर यानी देहाती या गांव की भारतीय माँ. टिपिकल इंडियन मदर who undergoes untold suffering, undergoes untold suffering, undergoes untold यानी चुपचाप सहन कर ली.
होकर गुजरना, अंतर बोध यानी तकलीफ से होकर गुजरना, अंतरोध यानी चुपचाप, सफर सफरिंग यानी दुख दर्द जो होकर निकली और उसे चुपचाप सहन कर लिया, बट विशेष हर चिल्ड्रन, बट विशेष हर चिल्ड्रन, बट विशेष हर चिल्ड्रन वेल निकलना सफरिंग, बट विशेष हर चिल्ड्रन वेल, विशेष हर चिल्ड्रन वेल, दिस पोयम इलस्ट्रेट द ट्रुथ ऑफ जीस प्रवर यूएस क्या होता है, यूएस यानी यहूदी, ये इंग्लैंड में यूएस जो यहूदी ये फास्ट है, यूएस प्रूवर क्या होता है, कहावत है, यहूदी कहावत है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, जो यूएस प्रूवर है वो क्या है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयर फॉर therefore he made mother, जो यूएस शुगर है वो है कि भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की है या माँ को बनाया है। ये आपकी पूरी समरी थी पोयम के अपन पढ़ेंगे, लेकिन समरी से ही पोयम का पता लग गया होगा आपको कि ये पोयम इसमें क्या है। ये पूरी ब्लेजर्स और उनके एटमोस्फेयर से पूरी रिलेट है। कोई जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट है, इन दिस पोयम पोइट टेल्स अबाउट इंडियन मदर एंड इंडियन फार्मर। ये पूरा पोइट टेल्स हाउ सिंपल द पीपल ऑफ द विलेज। ये आपकी समरी थी। अब पोयम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।